ओके हेलो बच्चों, आज अपनी 200 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज थी उसका तीसरा पार्ट लेके आए हम लोग। उसका थर्ड पार्ट लेके आए हैं, 50 क्वेश्चन आगे के। 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो पार्ट इसके हो गए हैं बच्चे 50 50 क्वेश्चन के। ये तीसरा पार्ट है इसका, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ सिस्टम हैज हाई हाई इफिशेंसी इकोनॉमिकल फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पावर। ठीक है बच्चों, ये पूछ रहा है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारे लिए इकोनॉमिकल है और इफिशेंसी अच्छी रहती है। तो बच्चों वो कौन सा सिस्टम है, तो बेस्ट हमारे लिए कौन सा रहता है? ऑप्शन नंबर ए, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम मोस्ट इकोनॉमिकल रहता है और एंड एक तरीके से इफिशेंसी भी इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि सिर्फ तो थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम एक तरीके का बैलेंस सिस्टम लोग रखते हैं। इसमें अगर तीनों फेज की करंट बैलेंस है तो लॉसेस जो हमारे न्यूट्रल में होते हैं वो हम जीरो हो जाते हैं एक तरीके से। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है हाई इफिशेंसी एंड इकोनॉमिकल पर्पस के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, ए सर्किट विच इज यूज टू टर्न ऑफ द एससीआर। एससीआर को बच्चों टर्न ऑफ करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं या कौन सा सर्किट हम लोग यूज करते हैं, बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, एनीबडी? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। ए सर्किट विच इज यूज टू टर्न ऑफ द एससीआर। एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए बच्चों हम लोग कम्यूटेशन सर्किट यूज करते हैं। कौन सा सर्किट यूज करते हैं? कम्यूटेशन सर्किट। कम्यूटेशन सर्किट यूज करते हैं हम लोग एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए। ठीक है बच्चों, गेट कंट्रोल सर्किट हम लोग यूज नहीं करते हैं। गेट कंट्रोल सर्किट यूज नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सर्किट भी यूज नहीं करते हैं एंड ट्रिगरिंग सर्किट भी। एससीआर बच्चों क्या है, एक तरीके का हमारा हाफ कंट्रोल सर्किट है। मतलब इसे ऑन तो कर सकते हैं हम ट्रिगर से, बट ऑफ नहीं कर सकते। ऑफ करने के लिए हमें इसके लिए क्या चाहिए रहता है बच्चों, कम्यूटेशन सर्किट यूज करते हैं लोग। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका, कम्यूटेशन सर्किट। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस हैज अ थ्री टर्मिनल। कौन कौन से टर्मिनल बता रहा है, बोल रहा है उसके तीन टर्मिनल बोल रहा है, किसके कौन से डिवाइस के, इसमें गेट रहता है बच्चों, सोर्स रहता है एंड ड्रेन रहता है, बताओ बच्चों एनीबडी आंसर दो। देखो डायोड में बच्चों दो ही रहते हैं, ठीक है, डायोड में दो टर्मिनल रहते हैं, ठीक है, एंड पावर मॉस्फेट में बच्चों तीन टर्मिनल रहते हैं, ठीक है, और बीजेटी में बच्चों तीन रहते हैं, यूजेटी में भी तीन रहते हैं। अब अगर मैं यूजेटी की बात करूं बच्चों, यूजेटी में बच्चों क्या रहते हैं कि दो तीन टर्मिनल रहते हैं। देखो बच्चों ये इसका बेस वन हो गया, बेस टू हो गया एंड इमीटर हो गया, अगर मैं यूजेटी की बात करूँ। ठीक है बच्चों, बीजेटी की बात करूँ बच्चों क्या है, बीजेटी में क्या रहता है, बेस इमिटर एंड कलेक्टर, बेस इमिटर एंड कलेक्टर। तो बच्चों मॉस्फेट वो डिवाइसेज जिसके ये तीन टर्मिनल रहते हैं, कौन से, गेट सोर्स एंड ड्रेन। तो राइट आंसर हमारा क्या है, पावर मॉस्फेट। राइट आंसर क्या है बच्चों इसका, पावर मॉस्फेट। मॉस्फेट के ये तीन टर्मिनल रहते हैं, गेट सोर्स एंड ड्रेन। कभी तो यूजेटी के भी पूछ लेता है, तो यूजेटी में याद रखना है आपके यूजेटी के तीन टर्मिनल रहते हैं, बेस वन बेस टू एंड इमिटर। ठीक है बच्चों, इसे याद रखना, ये बहुत काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
delay is suitable for the long transmission line for the production of high power surges. Anjali, चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा, विच रिले इज सुटेबल फॉर अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हाई पावर सर्जेस. तो कौन सी रिले यूज करते हैं हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए? तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में बच्चों जनरली जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, पावर सर्जेस बहुत आते हैं इसमें. लॉन्ग ट्रांसमिशन में क्या आते हैं, पावर सर्जेस बहुत आते हैं. जब स्विचिंग होती है ना बच्चों लाइन की, स्विचिंग की वजह से बच्चों सर्जेस आते रहते हैं, पावर सर्ज आते हैं इसमें. क्या आते हैं, पावर सर्ज आते हैं. लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में ये प्रॉब्लम होती है जब स्विचिंग करते हैं, मतलब जैसे हमें कोई लाइन को चेंज करना है, अचानक से लोड दूसरी लाइन पर आ गया या उस लाइन से लोड हमने हटा दिया, तो उसमें पावर सर्जेस बहुत ज़्यादा आते हैं लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में. तो उसकी प्रोडक्शन के लिए हम सी रिले यूज़ करते हैं, मोह रिले. कौन सी बच्चों, मोह रिले. ये रिले इंपेडेंस रिले बच्चों मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं, किसके लिए, मीडियम के लिए. एंड रिएक्टेंस रिले बच्चों शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ये याद रखना ठीक है. तो लॉन्ग के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, मोह रिले. इंपेडेंस मीडियम के लिए, एंड रिएक्टेंस बच्चों शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए. वोल्ट करंट रिले जनरली कुछ नहीं होता है. नेक्स्ट, क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ बच्चों क्या है, विच डिवाइस कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वो डिवाइस जो बच्चों हमारी केमिकल एनर्जी को, किसे बच्चों, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. कौन सा है, थर्मोकपल तो है नहीं बच्चों, थर्मोकपल तो एक तरीके का क्या है, सेंसर है ये. तो ये क्या है, ये तो सेंसर है बच्चों, जो जनरली टेम्परेचर को किसमें कन्वर्ट करता है बच्चों, मिली वोल्ट में ठीक है. एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट तो नहीं है, न्यूक्लियर पावर प्लांट तो नहीं है ठीक है. फ्यूल सेल है बच्चों, क्या है, फ्यूल सेल राइट आंसर है बच्चों. फ्यूल सेल क्या करता है, जो हमारी केमिकल एनर्जी है बच्चों उसे किस में कन्वर्ट करता है, इसमें करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. एक बच्चे ने आंसर दिया है अंजलि ने, 3B बच्चों. किसका बोल रहे हो आप, 3B, चलिए कोई बात नहीं, थर्ड का बी था ये, मैं देख लेता हूँ एक बार. अंजलि बोल रही है थर्ड का बी, थर्ड का बी, हाँ बिल्कुल सही बच्चों, करेक्ट. क्वेश्चन याद नहीं रहता, थोड़ा देखना क्वेश्चन क्या है इसका. तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है, फ्यूल सेल इज अ राइट आंसर. फ्यूल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है. केमिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा. और बच्चों केमिकल एनर्जी कौन सी रहती है, इसमें हाइड्रोजन फ्यूल लगता है, हाइड्रोजन फ्यूल को बच्चों ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है. फ्यूल सेल जनरली हम लोग जो हमारे स्पेस सेटल रहते हैं बच्चों वहाँ हम यूज करते हैं फ्यूल सेल, क्योंकि फ्यूल सेल का साइज बहुत छोटा रहता है, इसे ट्रांसपोर्ट करना बहुत ईजी है. तो हम लोग कोई भी अपना सेटेलाइट भेजते हैं तो सेटेलाइट में स्पेस की थोड़ी कमी रहती है, मतलब जो हमारा जो भी हमारा कोई सैटेलाइट हम लोग भेज रहे हैं उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता, जगह नहीं होती. तो उस फ्यूल सेल बहुत छोटे स्पेस में अच्छा खासा काम आ जाता है. फ्यूल सेल हाइड्रोजन को बच्चों किस में चेंज करता है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, हाइड्रोजन को किस में चेंज करता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी में. किस में, इलेक्ट्रिसिटी में. तो फ्यूल सेल के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए ठीक है. क्लियर है बच्चों, चलिए ठीक सा करेक्ट. सी का भी सही है, सौरभ गुड इवनिंग, सौरभ दीक्षा गुड इवनिंग. ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. जो द फॉलोइंग यूजफुल इन द मेजरमेंट ऑफ लाइव कंडक्टर विदाउट डैमेजिंग ऑब्लिंग पावरिंग डाउन ऑफ द सर्किट. ठीक है बच्चों, तो ये बोल रहा है कि एक तरीके से जो हमारा लाइव कंडक्टर है, लाइव कंडक्टर को बच्चों अगर आपको चेक करना है उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, तो कौन सा हम लोग इसमें टेस्टर यूज़ करेंगे, कौन सा मीटर यूज़ करेंगे बताओ बच्चों. चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ उसके लिए क्या लगता है बच्चों, टोंक टेस्टर. उसके लिए क्या लगता है, टोंक टेस्टर. टेस्टर कैसा होता है बच्चों, मान लो ये कोई लाइव वायर है, इसमें करंट आपको देखनी है, तो टोंक टेस्टर क्या रहता है, टोंक टेस्टर जस्ट ऐसा ये मीटर रहेगा, ऐसे इंस्ट्रूमेंट रहेगा, आपने देखा होगा उसमें ऐसे खुले, इसमें दो
टोंग रहता है ऐसे, मतलब इस तरीके से क्लिपिंग टाइप रहता है बच्चों, ऐसे क्लिपिंग रहता है, ऐसे खुल जाएगा बंद हो जाएगा, इसके अंदर से कंडक्टर जाएगा बच्चों। तो जब भी हमें कंडक्टर का उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है तो उसके उससे पास करा लेते हैं कंडक्टर को, यानी कि ये सपोज करो कोई कंडक्टर है तो मैं क्या करूँगा ऐसे टोंग टेस्टर को लगा लूँगा, टोंग टेस्टर को यहाँ लगाऊंगा तो इसमें जितना करंट फ्लो कर रहा होगा वो मेरे यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख जाएगा, इसमें वो डिस्प्ले में आ जाएगा इसकी। तो टोंग टेस्टर से हम लाइव वायर में कितनी करंट फ्लो कर रही है वो भी चेक कर सकते हैं बच्चों। क्लियर है? 6 का डी बोला है, ठीक है, राइट आंसर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट कनेक्टेड इन अ डीसी मशीन? डीसी मशीन में इनमें से क्या नहीं होता, कौन सा पार्ट डीसी मशीन का नहीं होता है बच्चों, बताइए। ओके ठीक है, चलो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या है। चलो कोई बात नहीं, मैं ये बता देता हूँ, डीसी मशीन का पार्ट नहीं है बच्चों। तो देखो देखो बच्चों, डैम्पर वाइंड कम्यूटेटर बच्चों यूज करते हैं हम लोग, ऑब्वियसली कम्यूटेटर यूज करते हैं, बिल्कुल सही। डीसी मशीन में कम्यूटेटर यूज करते हैं, ठीक है। कम्यूटेटर जनरली बच्चों क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डीसी में, ठीक है। डीसी मशीन में एसी को किस में करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। डैम्पर वाइंडिंग नहीं बच्चों यूज करते हैं हम, डैम्पर वाइंडिंग सिंक्रोनस मोटर में यूज करते हैं। कहाँ? सिंक्रोनस मोटर में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। कार्बन ब्रश भी यूज करेंगे, आर्मेचर भी यूज करेंगे। तो राइट आंसर बच्चों क्या है इसका, राइट आंसर इज डैम्पर वाइंडिंग हम लोग डीसी मोटर में यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो डैम्पर वाइंडिंग हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सिंक्रोनस मोटर में, वो हम लोग डीसी मोटर में यूज नहीं करते, करेक्ट है। और डैम्पर वाइंडिंग का आपको मैंने बताया था, डैम्पर वाइंडिंग किस लिए यूज होती है बच्चों, डैम्पर वाइंडिंग बच्चों एक तो सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने काम आती है, दूसरी उसकी स्पीड में अगर वेरिएशन आए, डैम्पिंग आए लोड के फ्लक्चुएशन में के टाइम पे, अगर उसकी स्पीड वैरी कर रही है तो उसे उसे क्या करती है, डैम्प आउट करती है, उसे एडजस्ट करती है, कॉन्स्टेंट स्पीड पर लेके आ जाती है डैम्पर वाइंडिंग। ये डैम्पर वाइंडिंग का फायदा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर तो आपको पता लग गया, डैम्पर वाइंडिंग है इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द एनर्जी मोटर इज अ मीटर। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों, ये मीटर है। ये क्या है बच्चों, मीटर है। ये बोल रहा है कि, ये बोल रहा है बच्चों, द एनर्जी मीटर यूज फॉर द डोमेस्टिक एप्लीकेशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट रहता है जो हमारे घरों में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है उसे उसे रिकॉर्ड करता है, वो किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ बच्चों, एनीबडी? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ, उसे बोलते हैं बच्चों इंटीग्रेटिंग टाइप। कौन सा इंस्ट्रूमेंट रहता है, इंटीग्रेटिंग टाइप। इंटीग्रेटिंग का मतलब बच्चों समझते हो, इंटीग्रेटिंग मतलब रहता है जो ऐड करता जाता है, मतलब जैसे आज की रीडिंग आई, सपोज करो आपने 50 यूनिट कंज्यूम की आज अपने घर में, तो ये नेक्स्ट डे में ऐड अप हो जाएगी। नेक्स्ट डे आपने 25 ऐड की, अगले दिन आपने 30 यूनिट यूज की, ऐसे आपने मंथ में जितनी यूनिट यूज की होगी हर एक यूनिट का ऐड करता जाएगा ये, ठीक है। 75 प्लस 30 प्लस उससे अगले दिन की 30, ऐसे हर एक दिन की यूनिट को ऐड करता जाएगा ये, तो लास्ट में जब बिल निकलेगा टोटल यूनिट का बिल निकल जाएगा आपका, जितनी भी आपने कंज्यूम की होगी। तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, मींस जो हर एक यूनिट को पर डे यूनिट को क्या करता है बच्चों, रोड रिकॉर्ड करता जाता है, ठीक है बच्चों, उसे बोलते हैं इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलिए क्लियर है ये, कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, करेक्ट सौरभ, 8 का ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, मैग्नीन टाइप ऑफ मटेरियल इज सूटेबल फॉर द मेकिंग। जो मैग्नीन जो हमारा मटेरियल रहता है उससे हम क्या बनाते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस बनाते हैं मैग्नीन से, और मैग्नीन से क्या बनाते हैं बच्चों, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस जनरली हमारे कहाँ यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में, इसमें यूज होते हैं इंस्ट्रूमेंट में। इंस्ट्रूमेंट जो हमारे रहते हैं ना, जैसे PMMC हो गया बच्चों, मूविंग आयरन हो गया, डायनामो टाइप हो गया, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, इनमें जब इनकी हमें क्या करनी रहती है बच्चों,
इनका संट लगाना रहता है, ये देखा ना, इनहेंस करने के लिए इनकी कैपेसिटी को जब इनहेंस करते हैं, संट लगाते हैं हम लोग, या सीरीज लगाते हैं वोल्ट मीटर के केस में, तो बच्चों जो रेजिस्टेंस हमें लगाना पड़ता है उस वो रेजिस्टेंस किसका बना चाहिए, मैग्नीन का बना चाहिए। और मैग्नीन की क्वालिटी क्या है, मैग्नीन क्या करता है बच्चों, मैग्नीन क्या करता है, मैग्नीन जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना बच्चों उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती नहीं है, ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू टेम्परेचर के साथ में मैग्नीन की नहीं बढ़ती है, बहुत कम बढ़ती है, मतलब बढ़ती है पर उस रेट से नहीं बढ़ती जितनी अदर कंपैरेटिवली अदर, जैसे कॉपर का रहेगा उसकी वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, मतलब वेरी करती है, पर मैग्नीन की प्रॉपर्टी क्या है, टेम्परेचर कोफिशियंट क्या रहता है इसका, टेम्परेचर कोफिशियंट बच्चों क्या रहता है, एक तरीके से इसका लो रहता है, मतलब टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ेगी ना वो कम रेट में बढ़ेगी, ठीक है, एक तरीके से कॉन्स्टेंट ही रहेगा टेम्परेचर के साथ में, जिससे रीडिंग में जो एरर आता है वो कम आता है, ठीक है। तो मैग्नीन बच्चों क्या रहता है, मैग्नीन से हम लोग क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, क्लियर है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फॉर ए गुड फ्यूज द वैल्यू ऑफ द फ्यूजिंग फैक्टर, फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू बच्चों क्या होनी चाहिए गुड फ्यूज के लिए, तो याद रखना है ये बच्चों कितनी होनी चाहिए, ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज सॉरी ग्रेटर देन वन होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन, ऑलवेज मोर देन वन, राइट आंसर इज ऑलवेज मोर देन वन होनी चाहिए, फ्यूजिंग वैल्यू बच्चों क्या होनी चाहिए, ऑलवेज मोर देन वन होना चाहिए, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, विच ऑफ द विच फॉर विच टाइप ऑफ मोटर आर बोथ गिवन कैरेक्टरिस्टिक ट्रू, मतलब किस मोटर के लिए ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक मैच करती है एक तरीके से, पहली क्या है, नो लोड कंडीशन इज डेंजर, नो लोड कंडीशन क्या रहती है बच्चों, उस मोटर में डेंजर रहती है, ठीक है, बताओ नो लोड कंडीशन किस मोटर के लिए डेंजर रहती है, नो लोड पे किस मोटर को स्टार्ट नहीं करते हैं, डीसी सीरीज मोटर को, डीसी सीरीज मोटर को कभी भी नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस हो चुका है, डीसी मोटर को कभी भी नो लोड पे स्टार्ट नहीं करते, हमेशा उसमें लोड लगाएंगे उसके बाद वो स्टार्ट करेंगे, अगर नो लोड पे स्टार्ट किया तो उसकी स्पीड इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, वेरिएबल स्पीड रहती है, वेरिएबल स्पीड बच्चों डीसी सीरीज मोटर की रहती है, क्यों, अगर डीसी सीरीज मोटर का आप बच्चों यहाँ से सर्किट देखो ना, आप बच्चों ये देखो ऐसे जो उसकी फील्ड रहती है ना बच्चों, ये सीरीज में रहती है, जब ये करंट लेगा यहाँ से डीसी सीरीज मोटर, तो ये जो फ्लक्स बनेगा ना बच्चों, ये फ्लक्स किसके साथ वैरी करेगा, करंट के साथ वैरी करेगा, अब जैसे लोड बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, फ्लक्स भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा, जब फ्लक्स बढ़ेगा बच्चों तो फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड कम होती जाती है, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, स्पीड बढ़ेगी मतलब फ्लक्स कम होगा, यहाँ क्या आ रहा है, जैसे भी लोड बढ़ेगा बच्चों, लोड बढ़ता जाएगा ना, उसका लोड बढ़ता जाएगा मीन्स उसकी स्पीड भी वैरी करती जाएगी, क्यों, क्योंकि उसमें फ्लक्स भी वैरी कर रहा है, फ्लक्स वैरी करेगा क्योंकि ये करंट इसी वाइंडिंग से क्रॉस, इसी वाइंडिंग से जा रहा है, तो जितना ज़्यादा लोड बढ़ेगा मोटर पर, जितनी ज़्यादा करंट मोटर लेगी, फ्लक्स की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी, फ्लक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी बच्चों स्पीड उतनी कम होती जाएगी, इस चीज़ को आप वैसे भी विजुअलाइज कर सकते हो कि अगर मोटर पे बच्चों ज़्यादा लोड पड़ेगा तो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाए होती जाती है, ठीक है, वैसे भी आप लोग सोच सकते हो, फिजिकली वे में भी आप सोच सकते हो, अगर किसी मोटर पे लोड अगर हमने बढ़ा दिया डीसी मोटर पे तो उसकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, तो वैसे ही है ये बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक किस में सेटिस्फाई कर रही है, डीसी सीरीज मोटर में, तो राइट आंसर क्या है बच्चों, डीसी सीरीज मोटर इज अ राइट आंसर, करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डैश इज अ कंडक्टर फ्रॉम विच टैपिंग आर टेकन फॉर सप्लाई टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए बच्चों कहाँ से हम लोग टैपिंग करते हैं, देखो ये सिंपल सा सर्किट है, आप लोग याद रखना, आपके काम आएगा ये, इसमें से कई क्वेश्चन बन जाते हैं,
बच्चों, इसे बोलते हैं सर्विस लाइन। इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? सर्विस लाइन, ठीक है। और जो हमारी ए बी क्या है, ए बी कोमा ए डी कोमा ए डी और कोमा बी सी, बच्चों ये क्या है हमारी डिस्ट्रीब्यूटर, ये क्या है हमारी डिस्ट्रीब्यूटर, ये क्या है हमारी डिस्ट्रीब्यूटर, करेक्ट है। एंड ये हो गया हमारा सबस्टेशन। और बच्चों ये लाइन जो जा रही है एस बी कोमा एस डी कोमा एस ए, बच्चों ये क्या है हमारा फीडर, ये क्या है बच्चों हमारा फीडर, याद रखना, ठीक है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसे कंडक्टर फॉर फ्रॉम विच टैपिंग आर टेकन फॉर द सप्लाई टू द कंज्यूमर। देखो मैक्सिमम टैपिंग ये हमारे कंज्यूमर पे सप्लाई जा रही है, कौन सी सप्लाई कंज्यूमर पे जा रही है बच्चों? ये कंज्यूमर पे सप्लाई जा रही है। कहाँ से टैपिंग की है? ये वाली लाइन से टैपिंग की है, यहाँ से टैपिंग की है और यहाँ से टैपिंग की है। तो बच्चों जहाँ से हम लोग टैपिंग करते हैं अपने कंज्यूमर के लिए उसे क्या बोलते हैं बताओ बच्चों? बोलो, नॉट सर्विस मैन नहीं बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। राइट आंसर इज डी। ओके चलिए, और डिस्ट्रीब्यूटर का बच्चों क्या रहता है हमारा? डिस्ट्रीब्यूटर का हम वोल्टेज रेगुलेटर मेंटेन रखते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन क्या रखते हैं इसका? मेंटेन रखते हैं, मेन कंसिडरेशन है। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होना चाहिए बच्चों? इसका मेंटेन होना चाहिए, ठीक। वोल्टेज रेगुलेशन डिस्ट्रीब्यूटर का मस्ट है, ठीक है। और बच्चों जो हमारे क्या रहते हैं फीडर रहते हैं उसमें वोल्टेज ड्रॉप का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें उसका हमारा कंडक्टर का साइज, कंडक्टर का साइज मस्ट रहता है क्योंकि मेन मोस्ट ऑफ द करंट यहीं से होके जाती है बच्चों। पर टैपिंग नहीं होती इसमें कंज्यूमर की, वो बात अलग है, बट इसका साइज ऑफ द कंडक्टर ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि पूरी करंट यही झेल रहा है। जस्ट ये हमारा क्या हो गया? सबस्टेशन हो गया हमारा ये, सॉरी जनरेटिंग स्टेशन हो गया बच्चों। ये क्या हो गया हमारा? जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन है ये। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, सर्विस मेन का पता लग गया बच्चों। सर्विस मेन हमारी कहाँ से जाती है? डिस्ट्रीब्यूटर से टैप होके जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? चलिए क्लियर हो गया, अगर कोई डाउट है तो बच्चों बताओ। व्हेन लाइट इज प्रोड्यूस बाई फिटिंग दैट दैट थ्रो ऑल द लाइट ऑन द सीलिंग फ्रॉम वेयर इट इज रिफ्लेक्टेड टू द एरिया टू बी लाइटेड, दिस मैथड ऑफ लाइटनिंग आर अरेंजमेंट इज नोन एज। तो बच्चों ये क्या होती है? ये बोल रहा है कि इनडायरेक्ट लाइटिंग बोल रहा है ये, मतलब आपने देखा होगा ये सीलिंग रहती है आपके घरों में, इसमें फॉल्स सीलिंग लगी रहती है ऐसे, यहां से ऐसे बच्चों आपकी क्या रहेगी? फॉल्स सीलिंग रहेगी इस तरीके के। तो लाइट बच्चों यहां लगी रहती है, यहाँ इस वाले लिए, इस वाले एरिया में। समझ में नहीं आया? चलो मैं समझाता हूँ आपको। घरों में क्या रहता है? आपके घरों में तो डायरेक्ट मान लो लाइट सोर्स से डायरेक्ट आपके घरों में नीचे आप पे लाइट आ गई है, ठीक। इनडायरेक्ट लाइटनिंग क्या रहती है बच्चों? छतों में जो फॉल्स सीलिंग रहती है ना उसमें लाइट लगा के रखते हैं, तो वो लाइट पहले लाइट ये हमारे सीलिंग पे जाएगी, मतलब ऐसे इसकी डायरेक्शन लाइट की ऐसे ऊपर की तरफ रहेगी, ठीक है। ये मान लो बल्ब है, ये बल्ब यहाँ टकराएगा, इसकी लाइट यहाँ टकराएगी और रिफ्लेक्शन से फिर लाइट नीचे आएगी बच्चों, ऐसे रिफ्लेक्शन से बच्चों क्या आएगी? लाइट नीचे आएगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन से लाइट नीचे आ रही मतलब वो क्या हुआ? इनडायरेक्ट लाइटनिंग अरेंजमेंट हुआ। वो क्या हुआ बच्चों? इनडायरेक्ट लाइटनिंग अरेंजमेंट, ठीक है। उसमें डायरेक्ट लाइटनिंग नहीं होती, मतलब डायरेक्ट सीलिंग से लाइट हमारी फ्लोर पे नहीं आती, इनडायरेक्ट वे में आती है, डेकोरेशन वगैरह में यूज होती है, ठीक है। चलो ठीक है, राइट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द नो लोड करंट ड्रॉन बाय ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली, कितना परसेंट रहता है बताओ बच्चों? नो लोड करंट की वैल्यू कितनी रहती है? नो लोड करंट कितना रहता है ट्रांसफॉर्मर में? यूजुअली 2 to 5%। कितना? 2 to 5% ऑफ फुल लोड, 2 to 5% ऑफ फुल लोड, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यस, कन्वर्ट बाइनरी कोडेड इंफॉर्मेशन टू द यूनिक आउटपुट सच एज डेसिमल, ऑक्टल डिजिट एटसेट्रा. ठीक है बच्चों, ये क्या बोल रहा है कि जो एक इंफॉर्मेशन कोडेड इंफॉर्मेशन को क्या करता है, डिकोड करता है, यूनिक आउटपुट में यूनिक आउटपुट देगा. मतलब कोडेड इंफॉर्मेशन हम उसमें डालेंगे और वो डिकोड करके हमें आउटपुट दे देगा. तो नाम से पता लग रहा है बच्चों, वो डिवाइस क्या रहती है, डिकोडर. वो क्या रहेगी हमारी, डिकोडर. ठीक है, जो कन्वर्ट करेगा बाइनरी कोडेड, मतलब कोडेड कोई हमारा है, कोड है, उसे क्या करेगा, डिकोड करेगा इंफॉर्मेशन को. तो वो क्या होगा हमारा, डिकोडर होता है बच्चों. करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एसी करंट ओनली. ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ओनली क्या करता है बच्चों, एसी मेजरमेंट करता है, ओनली एसी. चलिए बताइए. पहला ऑप्शन बच्चों क्या है, इंडक्शन टाइप एमिटर. दूसरा बच्चों मेगर बोल रहा है वो. और तीसरा क्या बोल रहा है, मल्टीप्लेक्सर बोल रहा है. और थर्ड पीएमएमसी, परमानेंट मैग्नेट टाइप एमिटर. तो बताइए बच्चों इसमें राइट आंसर क्या है. रोहित कंडवाल, डी, 16 का डी बोल रहे हो बच्चों आप. नहीं, गलत है. देखो बच्चों 16 का क्या होगा, ये बोल रहा है ओनली एसी. ओनली एसी मेजरमेंट कौन सा करेगा बच्चों, नाम से ही पता लग रहा है. देखो इंडक्शन आ रहा है ना, इंडक्शन बच्चों एसी में ही होता है, इंडक्शन एसी में ही होता है. तो ऑप्शन इज ए, इंडक्शन टाइप एमिटर. मेगर तो बच्चों किस लिए होता है, मेगा ओम मेजर करता है ये केबल का इंसुलेशन. किसका, केबल इंसुलेशन. केबल का इंसुलेशन हम मेजर करते हैं किससे, मेगर से. केबल का इंसुलेशन मेजर करते हैं हम मेगर से. ठीक है. और मल्टीप्लेक्सर क्या होता है बच्चों, मैनी सिग्नल इनटू वन सिग्नल कन्वर्ट करता है ये हमारा. ठीक है, ये अलग चीज होगी, ये डिजिटल में यूज होती है. परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कोल, ये ओनली किस पे काम करता है, ओनली डीसी पे, ओनली डीसी पे. तो ओनली एसी पे क्या करेगा, इंडक्शन टाइप एमिटर. तो राइट आंसर इज ए. रोहित डी आंसर नहीं है बच्चा, उसमें क्या बोल रहा है, ओनली एसी पे जो ऑपरेट करेगा. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. जो द फॉलोइंग इज नॉट फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रेक्टिफाइड टाइप. रेक्टिफाइड टाइप कौन सा नहीं है इसमें. ठीक है, रेक्टिफाइड क्या करता है बच्चों, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. ठीक है, उसमें कुछ फुल्ली रेक्टिफाइड रहते हैं. मतलब फुल्ली रेक्टिफाइड क्या हो गया, मतलब फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर वो होते हैं जिसमें वेव जो हमारी रहती है ना कन्वर्ट होके आ रही है, उसकी उसकी उसके मैग्नेट्यूड को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों. उसे बोलते हैं फुल्ली कंट्रोल्ड. एक होता है सेमी कंट्रोल्ड, मतलब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते. ठीक है, एक होता है अनकंट्रोल्ड. अनकंट्रोल्ड मतलब रेक्टिफायर कैसे होंगे, उसमें वेव जो हमारी रहेगी ना उसका मैग्नेट्यूड को हम छेड़ नहीं सकते, उसके साथ हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते उसमें. ठीक है, तो इसमें कौन सा है, चलो देखते हैं. रेक्टिफायर टाइप नहीं है, फुल्ली कंट्रोल तो हो गया, आपको बताया मैंने. फुल्ली कंट्रोल रेक्टिफायर रहता है हमारा, एससीआर बेसिस रहते हैं हमारे, एससीआर बेसिस रहेंगे. ठीक है, परमानेंट कंट्रोलर, ये कुछ टर्म समझ में नहीं आ रही, ये कोई टर्म नहीं होती बच्चों. परमानेंट नहीं, सॉरी, परसेंटेज कंट्रोलर कुछ नहीं होता बच्चों. सी है अनकंट्रोल्ड. अनकंट्रोल्ड हमारा कौन सा रहता है, डायोड वाला रहता है बच्चों. ये भी होता है हमारा डायोड वाला. ठीक है, डायोड रेक्टिफायर भी रहते हैं हमारे. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाफ कंट्रोल्ड. हाफ कंट्रोल भी रहते हैं हमारे. ठीक है बच्चों, क्या हो गया इसमें, ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी इज द राइट आंसर. बी क्या है हमारा, राइट आंसर है, जो कि रेक्टिफायर टाइप नहीं होता. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट, सौरभ ने इसका आंसर दिया बी, बिल्कुल सही, करेक्ट. चलिए बच्चों नेक्स्ट देख लेते हैं हम. द स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर थ्री फेज एट विच द सप्लाई अथॉरिटी डिलीवर पावर टू द कंज्यूमर. कंज्यूमर को बच्चों जो हम लोग सप्लाई देते हैं वो किस स्टैंडर्ड पे देते हैं, थ्री वायर, फोर वायर, थ्री फेज, टू फेज, क्या रहता है, वो ये पूछना चाह रहा है. तो देखो बच्चों, कंज्यूमर को हम लोग किस पे देते हैं, 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज टू वायर. ठीक है, ये ऑप्शन नहीं है. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज फोर वायर, करेक्ट, ये हमारा राइट आंसर है. थ्री फेज हमारे रहेंगे, थ्री फेज रहेंगे बच्चों,
और एक क्या रहता है न्यूट्रल, एक न्यूट्रल रहेगा, एक आर वाई बी रहेगा, ये इसका राइट आंसर है। तो राइट आंसर इज डी, 415 50 हर्ट्ज 4 वायर, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डीसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक, इसका क्या है? द डीसी मोटर कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो नोन एज मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी रहती है डीसी मोटर की? चलो देखो आज मैं तुम्हारा इसमें कॉमन सेंस यूज करके देखते हैं कौन सा बच्चा इसका आंसर देता है, देखते हैं। देखो ऑप्शन से देखो तुम लोग, एक एक इसमें आइडेंटिफाई करो इसमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी किस किस में आ रही है और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कहाँ कहाँ नहीं आ रही है किस कैरेक्टरिस्टिक में। जिसमें आ रही होगी बच्चों वो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक के आसपास हो जाएगी, अदरवाइज मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक है। देखो टॉर्क एंड आर्मेचर आ गया, ये तो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक लग रही। स्पीड एंड आर्मेचर आ गया, ये भी ठीक है, आर्मेचर करंट आ गया। स्पीड एंड टॉर्क है, स्पीड एंड टॉर्क है दोनों मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक है, स्पीड भी एंड टॉर्क भी दोनों मैकेनिकल क्वांटिटी है। तो हम लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक इज ए मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी मोटर, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इन 11 केवी लाइन व्हेन कंडक्टर आर इन हॉरिजॉन्टल और डेल्टा फॉर्मेशन डैश इज प्रोवाइडेड। 11 केवी लाइन हमारी होती है बच्चों, उससे उसके लिए हम लोग क्या अरेंजमेंट करते हैं सेफ्टी के लिए, वो ये पूछना चाह रहे हैं। जैसे आपने देखा भी होगा 11 केवी जो लाइन होती है ना बच्चों, हॉरिजॉन्टल या फिर डेल्टा फॉर्मेशन में, डेल्टा फॉर्मेशन ऐसे रहता है, ये ऐसे बोलना चाह रहा है, डेल्टा फॉर्मेशन ऐसे, कहीं कहीं 11 केवी लाइन ऐसे चलती है बच्चों, ऐसे तीन वायर ऐसे जा रहे होंगे ऐसे, है ना, डेल्टा में, और कहीं कहीं तीन वायर ऐसे जाते हैं बच्चों इस तरीके से, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कंडक्टर में हॉरिजॉन्टल या डेल्टा फॉर्मेशन में क्या लगाते हैं हम लोग, उसमें क्या लगाते हैं, क्रेडल गार्ड बोलते हैं, क्रेडल गार्ड लगाते हैं हम लोग बच्चों सेफ्टी के लिए। जो ये बच्चों ये तीन वायर जा रहे हैं ना ऐसे, ये तीन वायर बच्चों जो जा रहे हैं, मान लो ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसके नीचे ना ऐसे यहां से एक तीन वायर ऐसे ही होंगे इसके नीचे, और वो बंधे होंगे आपस में, आपने देखना आपके घर के आसपास ऐसे, ये लाइन के जस्ट नीचे हम लोग तीन वायर ऐसे लगाते हैं जोड़ के। उसका फायदा क्या है, इनकेस अगर कोई कंडक्टर टूटा, 11 केवी कंडक्टर मान लो ब्रेक हुआ, तो इनके ऊपर गिरेगा वो, ना कि नीचे ग्राउंड पे जाएगा। ग्राउंड पे जाएगा तो बच्चों वो क्या करेगा, हार्मफुल रहेगा, जो भी लोग होंगे, जानवर होंगे, या कोई भी दुकान होगी, कोई भी ट्रक गाड़ी, कोई भी चीज होगी, उसके लिए हार्मफुल होगा। तो उसे उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेडल गार्ड हम लोग यूज करते हैं ऐसे लाइन के जस्ट नीचे। अब लोग कभी भी 11 केवी की लाइन देखना आपके घर के आसपास में या शहर में, ऐसे तीन वायर रहते हैं, जस्ट तीन वायर रहते हैं ऐसे बच्चों, सेफ्टी पर्पस के लिए ऐसे लाइन के नीचे लगा के रखते हैं, ये वायर ऐसे रहते हैं। जब भी वायर टूटेगा तो इन पे गिरेगा, नीचे नहीं डायरेक्ट लटकेगा 11 केवी का वायर। अगर 11 केवी बच्चों नीचे ग्राउंड पर आ गया तो वो बहुत डेंजर रहता है, ठीक है। सेफ्टी फॉर द ह्यूमन हम लोग क्या करते हैं, क्रेडल गार्ड यूज करते हैं 11 केवी लाइन के लिए, ठीक है। राइट आंसर इज क्रेडल गार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ डीजल पावर प्लांट। डीजल पावर प्लांट का एडवांटेज नहीं है, नॉट एन एडवांटेज, एडवांटेज नहीं है, ठीक है, एडवांटेज नहीं है बोल रहा है ये, ठीक है। देखो ओके भाई, लेस स्पेस, बिल्कुल सही है, छोटी सी जगह में डीजल पावर प्लांट आप लगा सकते हैं, स्पेस की जरूरत नहीं होती इसमें ज्यादा, ये सही है। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा रखती है, इसमें बहुत ज्यादा मेंटेनेंस का खर्चा है बच्चों, ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन नहीं लग रहा। मतलब कैन बर्न फेयरली वाइड रेंज ऑफ फ्यूल्स, नो नो, ठीक है, कैन बी स्टार्टेड एंड पुट ऑन द लोड क्विकली, ये भी सही है, दोनों सही है ऑप्शन, ये भी सही है, ये भी सही, तीन ऑप्शन सही है, ठीक है, बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, ये बोल रहा नॉट एन एडवांटेज, एडवांटेज ये नहीं है इसका, ये इसमें बच्चों मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा रहती है बच्चों, क्या रहती है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहती है इसकी, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहती है, हाई रहती है, मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहती है इसकी, हाई रहती है। तो ये बोल रहा है लो है, तो ऑप्शन क्या हुआ इसका सही, राइट आंसर इज डी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फेरस मेटल कौन सा है बच्चों बताओ, फेरस मेटल
सौरभ बी बोल रहे हो, 22 का बताओ सौरभ क्या है। रोहित, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरस मेटल, फेरस मेटल बताओ बच्चों क्या है। फेरस मेटल, मेटल बच्चों जो जो मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम उसे प्लेस करते हैं तो वो हाईली अट्रैक्ट होता है, बताओ, जो मैग्नेट की तरह भी एक तरीके से बिहेव करता है। यहाँ ऑप्शन से बिल्कुल साफ दिख रहा है, बताओ बच्चों। ब्रास तो नहीं है, लेड भी नहीं है, स्टील है बच्चों। स्टील के हम लोग स्टील के मैग्नेट ही बनाते हैं, तो स्टील है। ऑप्शन क्या है, स्टील। स्टील इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं है मटेरियल की, कौन सी बच्चों बताओ। कंडक्टिविटी है, बिल्कुल कंडक्टिविटी है। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ भी बच्चों है, ठीक है। इंडक्टिविटी नहीं कुछ होती बच्चों, इंडक्टिविटी कुछ नहीं होती, ये टर्म होती ही नहीं है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये भी होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है। ये तीनों चीज तो एग्जिस्ट करती है बट ये नहीं होती, तो राइट आंसर क्या होगा, इंडक्टिविटी। इंडक्टिविटी कोई टर्म नहीं होती, ठीक है। और ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, नॉट एन इलेक्ट्रिकल, नॉट एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या नहीं है, इंडक्टिविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग में और रेफ्रिजरेशन में बच्चों हम लोग कौन सी मोटर यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ये डेटा बेस क्वेश्चन है, आपको जरूर याद रखना है हमेशा। इसमें डीसी कम्युलेटिव मोटर यूज करते हैं हम लोग, कौन सी बच्चों, डीसी कम्युलेटिव मोटर। एप्लीकेशन क्या है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में कौन सा यूज करते हैं, डीसी कम्युलेटिव मोटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जो द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बच्चों हमारा नहीं है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, बताओ बच्चों, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट नहीं है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बताओ, तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है सब ये, ठीक है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या नहीं है हमारा, टेंजेंट गैल्वोमीटर, राइट आंसर इज सी, टेंजेंट गैल्वोमीटर, ठीक है। बाकी ये सब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लो टेंशन केबल आर जनरली यूज अप टू, बताओ बच्चों इसका क्या है, लो टेंशन केबल आर जनरली यूज अप टू, जो लो टेंशन केबल रहता है मतलब 415 वोल्ट पे जो हम लोग यूज करते हैं या फिर 400 वोल्ट पे जो हम लोग यूज करते हैं, जो केबल रहता है उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी रहती है, मैक्सिमम कितने वोल्टेज को बेयर कर सकता है, ठीक है। आप अगर स्पेसिफिकेशन भी देखोगे ना, जो हमारे एलटी केबल्स रहते हैं उन पे डली रहती है, उनके स्पेसिफिकेशन पढ़ना आप कभी नेट पे सर्च मार के, स्पेसिफिकेशन ऑफ एलटी केबल्स, तो उन पे भी रहता है मैक्सिमम उनकी कैपेसिटी कितनी रहती है, मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी कितनी रहती है बच्चों, देखना आप ध्यान से कभी स्पेसिफिकेशन पढ़ के, तो बच्चों उनकी मैक्सिमम वोल्टेज कितनी बेयर कर सकता है, वो वी मैक्सिमम लिखा रहता है उस पर, 1 kV या 1000 वोल्ट ऐसे लिखा रहता है, 1 kV तक वो मैक्सिमम क्या कर सकता, बेयर कर सकता है, ठीक है। लो टेंशन केबल आर जनरली यूज अप टू, या फिर हम कहाँ तक यूज कर लेते हैं, 1 kV तक उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इज 1 kV, 1 kV इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग बच्चे। द रेशो ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम ए बैटरी व्हाइल डिस्चार्जिंग टू द एनर्जी गिवन टू द बैटरी व्हाइल, मतलब बोल रहा है बच्चों द रेशो ऑफ एनर्जी, एनर्जी बोल रहा है टेन फ्रॉम ए बैटरी वाइल डिस्चार्जिंग, मतलब जब उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं बैटरी को, जो एनर्जी हमें मिल रही है बैटरी वाइल डिस्चार्जिंग टू, एनर्जी गिवन टू द बैटरी वाइल चार्जिंग, मतलब ये कौन सी इफिशियंसी की बात कर रहा है, ये इफिशियंसी की बात कर रहा है, एनर्जी कब, डिस्चार्जिंग के टाइम पे डिवाइड बाई एनर्जी कब, चार्जिंग के टाइम पे, तो ये जो इफिशेंसी इसे क्या बोलते हैं ये पूछ रहा है ये। तो बच्चों एनर्जी की बात हो रही है ना, तो एनर्जी क्या होती है बच्चों, पावर इंटू टाइम होती है ना, पावर इंटू टाइम, ऑप्शन ही देख के बता दो आप कौन सी होगी, एम्पियर आवर, एम्पियर आर तो एनर्जी होती नहीं,
ई टू सी भी नहीं होती, किलो वाट बच्चों पावर हो गया, ये पावर हो गया है ना, एनर्जी क्या है वाट आवर, ये है एनर्जी, तो इसी की बात कर रहा है ये। वाट आवर इफिशियंसी को बोलते हैं बच्चों, कौन सी, ये इफिशियंसी की जिसकी ये बात कर रहा है, बैटरी वाइल डिस्चार्जिंग टू द एनर्जी, एनर्जी जहां वर्ड आ गया ना ये एनर्जी, तो एनर्जी की यूनिट हमें देखनी है ऑप्शन में किसमें है, तो एनर्जी इसमें मैच कर रहा है, तो डब्ल्यू एच इज ए एनर्जी इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी की, डब्ल्यू एच इज ए यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसलिए ये इफिशियंसी होगी इसकी, तो राइट आंसर इज डी, करेक्ट है बच्चों। चलिए, और इसका फॉर्मूला भी ऐसे आप देख सकते हो, वोल्टेज ऑफ बैटरी एट डिस्चार्ज, करंट ऑफ बैटरी एट टाइम ऑफ डिस्चार्ज इंटू टाइम ऑफ डिस्चार्ज डिवाइड बाई वोल्टेज चार्जिंग के टाइम पे, करंट बच्चों चार्जिंग के टाइम पे, और टाइम कितना लिया उसने चार्जिंग के टाइम पे, ये इफिशियंसी रहती है इसकी। अगर फॉर्मूले में आप देखो तो पी डी आई डी इंटू टी डी पी सी आई सी इंटू टी सी, ये होती है डब्ल्यू एच इफिशियंसी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगर आपको कोई डाउट हो बच्चों तो पूछो इसमें। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल इज स्लाइटली लेस देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी रहती है बच्चों, स्लाइटली लेस देन यूनिटी किसकी परमेबिलिटी रहती है, तो बताओ बच्चों स्लाइटली लेस देन किसकी रहती है, स्लाइटली लेस देन पैरा की भी ज्यादा रहती है, एंटी की भी ज्यादा रहती है, फेरो की भी ज्यादा रहती है, स्लाइटली लेस देन किसकी रहती है, डाया मैग्नेटिक मटीरियल, द राइट आंसर इज बी, राइट आंसर क्या बच्चों इसका बी है, राइट आंसर बी है, डाया मैग्नेटिक मटीरियल की परमेबिलिटी क्या रहती है, लेस देन वन रहती है, ठीक है, ओके राइट आंसर, सौरभ ने सही आंसर दिया है, डाया मैग्नेटिक मटीरियल, ठीक है, इसकी म्यू बहुत ज्यादा रहती है, इस ग्रेटर देन वन रहती है, इसकी बच्चों रहती है जस्ट ग्रेटर देन वन, कैसे दो, इसकी लेस देन वन रहती है, इस तरीके से रहती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है बच्चों, ये काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर डीसी सीलिंग फैन, डीसी सीलिंग फैन के लिए बच्चों ये बोल रहा है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, अभी डीसी सीलिंग फैन आप ये आपने सुना ही होगा, आजकल मार्केट में ये नई टेक्नोलॉजी आई है बच्चों, डीसी सीलिंग फैन आजकल आने लगे हैं, जनरली एसी सीलिंग फैन रहते हैं पर डीसी सीलिंग फैन आजकल आ रहे हैं, डीसी सीलिंग फैन के बहुत सारे एडवांटेज है बच्चों, पहला एडवांटेज क्या है इसका बच्चों, इसमें क्या रहती है, ये पावर कंजम्पशन बहुत कम रहता है इसका, पावर कंजम्पशन क्या रहेगा बच्चों इसका बहुत कम, लेस रहता है, ठीक है, इफिशियंसी इसकी बेटर रहती है, ठीक है, इफिशियंसी बेटर तो रहेगी जब लॉसेस कम होंगे, ठीक है, तो इसे बोलते हैं डीसी सीलिंग फैन, डीसी सीलिंग फैन के क्या एडवांटेज है, डीसी पहला ऑप्शन क्या है, डीसी हैव अ लेस स्पीड ऑप्शन देन द एसी स्पीड, नहीं स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है इसकी, स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल फैन रहते हैं, आप कितनी भी स्पीड बढ़ा लो इसकी, स्पीड कम नहीं होती एसी से, पहला ऑप्शन तो नहीं है सही, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ना वो डीसी फैन का। दूसरा है डीसी मोटर फैन यूज मोर एनर्जी देन द स्टैंडर्ड एसी फैन, नहीं ये एनर्जी कम लेता है बच्चे उससे, डीसी फैन आर लेस इफिशियंट देन एसी, नहीं ये भी नहीं है, ये तो इससे ज़्यादा इफिशियंट फैन होते हैं, डीसी फैन एसी से ज़्यादा इफिशियंट है, थर्ड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, फोर्थ ऑप्शन क्या है, डीसी मोटर फैन आर लेस नॉइजी, बिल्कुल सही, लेस नॉइजी रहता है, आवाज़ का पता ही नहीं लगेगा आपको, इतने स्लाइटली रन करता है, और एक एडवांटेज बताया और क्या है बच्चों इसका, आपके घर में अगर वोल्टेज भी कम आ रही होगी ना तो स्मूथली चलेगा ये, वही डीसी सीलिंग फैन है बच्चों वो उसे रेटेड 230 तो चाहिए ही है, 230 में अगर 200 भी होगी चलो चल जाएगा वो, 190 में भी चल जाएगा ये, ठीक, अगर 80 वोल्ट आपके घर में अगर सप्लाई आ गई तो एसी सीलिंग फैन नहीं चलेगा, डीसी सीलिंग फैन चल जाएगा, डीसी सीलिंग फैन 80 वोल्ट पे भी स्मूथली रन करेगा, एकदम बढ़िया से रन करेगा, ठीक है, क्योंकि ये चलता है बच्चों 24 वोल्ट पे चलता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अब ऐसा नहीं है कि 24 वोल्ट बैटरी लगानी पड़ती है बच्चों, इसमें इन्वर्टर सर्किट रहता है, सप्लाई ये एसी लेगा, इन्वर्टर सर्किट बच्चों उसे एसी को डीसी में कन्वर्ट करके, इन्वर्टर और रेक्टिफायर सर्किट रहता है उसमें, पल्स वी टेक्निक यूज करते हैं वो लोग स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, तो 24 वोल्ट उसे कन्वर्ट करके डीसी देता है, परमानेंट मैग्नेटिक इसमें रहता है, परमानेंट मैग्नेटिक मोटर रहता है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मोटर रहता है इसमें, ब्रशलेस मोटर भी बोलते हैं, ब्रशलेस मोटर जो डीसी पे चलता है वो इसमें मोटर लगा रहता है जो 24 वोल्ट लेता है, ठीक है। चलिए तो ये क्या रहता है, लेस नॉइजी रहता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं,
एक सेकंड बच्चों वेट कीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल। टंगस्टन की बात हो रही है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल मटेरियल है टंगस्टन उसकी बात कर रहे हैं बच्चों, उसकी क्या प्रॉपर्टी है टंगस्टन की। ठीक है, टंगस्टन की प्रॉपर्टी देखो बच्चों क्या है। टंगस्टन हमारा मैं लगता है टंगस्टन, टंगस्टन की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, ये इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर रहता है। टंगस्टन का क्या रहता है, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर। इट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द मेटल्स। तो राइट आंसर क्या है इसका, बी है। इट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द मेटल्स, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहता है बच्चों इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो वही आ गया, डब्ल्यू एच इफिशियंसी ऑफ ए बैटरी फॉर यूपीएस वेरीज फ्रॉम, कहां से कितनी वेरी करती है। डेटाबेस क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, कितनी रहती है बच्चों, 70 to 80%, 70 to 80% इफिशियंसी रहती है डब्ल्यू एच इफिशियंसी इसकी, यूपीएस की। ठीक है, यूपीएस की इफिशियंसी कितनी रहती है, 70 to 80% डब्ल्यू एच इफिशियंसी, ये याद रखना है बच्चे, डेटा बेस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, 70 to 80% इफिशियंसी रहती है इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। करेक्ट है अंजलि का आंसर, बिल्कुल सही है, सौरभ भी सही है, दोनों बिल्कुल सही। चलिए, इफ द पावर फैक्टर इज लेस द वोल्टेज आर सेंडिंग एंड इज लेस देन दैट एट द रिसीविंग एंड इन द शॉर्ट लाइन, हेंस द वोल्टेज रेगुलेशन इज नेगेटिव। बच्चों वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कब होगा, ठीक है ये याद रखना है। ठीक है बताओ, वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव कब होगा, एक ही कंडीशन में होता है, सिर्फ एक ही कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन होगा, याद रखना, एक ही कंडीशन रहती है वोल्टेज रेगुलेशन की नेगेटिव होने की। ये क्वेश्चन बहुत बार है, याद रखना है। ठीक है, वो कौन सी है, लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर पे बच्चों क्या रहता है, सेंडिंग एंड वोल्टेज लेस रहता है रिसीविंग एंड से, रिसीविंग एंड का वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है सेंडिंग एंड से। तो जब रिसीविंग एंड का वोल्टेज बच्चों क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा सेंडिंग एंड से, तो वोल्टेज रेगुलेशन अपने आप माइनस हो जाना है। देखो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, वोल्टेज रेगुलेशन रहता है हमारा नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइड बाई फुल लोड वोल्टेज, तो परसेंटेज में हो गया। अगर हम वैसे देखें बच्चों तो ये क्या बोल रहा है, ये हमारा ये हो गया हमारा बच्चों रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है सॉरी, ये सेंडिंग एंड वोल्टेज हो गया, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज हो गया। अगर बच्चों मैंने वी नो लोड क्या कर दिया, लेस कर दिया किससे, वी फुल लोड से, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन क्या आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, समझ रहे हो। तो नेगेटिव अगर हमारा वोल्टेज रेगुलेशन आ गया तो वो सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकता है, किसमें, जब हमारा पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग होगा। ओनली एंड ओनली कंडीशन क्या है, लीडिंग पावर फैक्टर होना चाहिए, तभी क्या होगा बच्चों, ये हमारा एक तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा। देखो अगर हम इसका इसका वो भी देखें, फेजर डायग्राम भी, तो देखो बच्चों कैसे होगा ये, बच्चों क्या हो गया हमारा, देखो सर्किट से तुम फेजर डायग्राम से भी समझ सकते हो इस चीज को। ये क्या हो गया बच्चों, वी, ये हमारा वी हो गया, ठीक है, और लीडिंग पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं ना, ये हमारा करंट हो गया आई, ठीक है, इसके इसके पैरेलल चले गए लॉस आई इंटू आर, इसके परपेंडिकुलर हो गया बच्चों आई इंटू एक्स जे, इसके 90 रहता है। जब इन इन्हें दोनों को बच्चों आप खींचेंगे ना ऐसे, तो देखो ये हमारा हो गया ई, ठीक है।
तो देखो ये वोल्टेज अगर यहाँ यहाँ तो मैंने थोड़ा वैसा बना दिया है, ये थोड़ा सा ऐसे बनता है बच्चों, यहाँ से इतना हो गया और ये यहाँ से ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो ये वोल्टेज बच्चों ज़्यादा हो जाता है इससे, ठीक है। बी क्या हो जाता है बच्चों, ग्रेटर देन ई हो जाता है। फेजर डायग्राम में भी आप देखोगे ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी लीडिंग पावर फैक्टर के केस में। तो लीडिंग पावर फैक्टर के केस में अगर वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है, सेंडिंग एंड का रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग से ज़्यादा हो रहा है और वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव में आ रहा है, तो पावर फैक्टर क्या होगा उस कंडीशन में बच्चों, लीडिंग होगा। वहां से भी आप देख सकते हो लीडिंग पावर फैक्टर की कंडीशन में ही वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। ये वोल्टेज रेगुलेशन का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए टाइम चाहिए बच्चों, अभी टाइम का थोड़ा लिमिट है, इसलिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द रेक्टिफायर दैट यूज ओनली डायोड एंड डी सी आउटपुट वोल्टेज इफ फिक्स एन एम्पलीट्यूड बाई एम्पलीट्यूड ऑफ द ए सी सप्लाई इज नोन एज, ठीक है। तो सिर्फ क्या यूज कर रहा है बच्चे, वो ओनली डायोड, मैंने आपको बताया था ओनली डायोड यूज कर रहा है। अगर डायोड लगे होंगे बच्चे उसमें, सिर्फ डायोड हो गए तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होगा, वो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर होगा। इसने साफ क्वेश्चन में क्या दिया, ओनली डायोड यूज कर रहा है, ओनली डायोड यूज कर रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, अनकंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्या हो गया बच्चों, एंड कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, सौरभ का बिल्कुल सही है, 31 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टर्म आपको याद रखनी है कि जहां ओनली डायोड बोल दिया तो क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ना ही नहीं है आपको, क्वेश्चन को बस सिर्फ ये देखना है, ये बोल रहा है कि ओनली डायोड यूज कर रहा है, तो बस ऑप्शन में देखना है अनकंट्रोल्ड कहाँ है, अनकंट्रोल्ड यहाँ है, तो 4 हो गया इसका आंसर, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, इन अ डीसी मोटर डैश इज नोन एज अ इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है बच्चों इसकी, बताओ बच्चों इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक कौन सी, किसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक बच्चों किसे बोलते हैं, बहुत जनरल क्वेश्चन है, बताओ बताओ बच्चों क्या है इसका ऑप्शन, 32 का बताओ क्या है, इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक किसे बोलते हैं। मैकेनिकल तो हमने देख ली थी, मैकेनिकल क्या थी हमारी, टॉर्क और स्पीड के बीच में जो रिलेशन आता था, ये बताओ बच्चों इसमें क्या है, एनीबडी। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ, फिर भी सोच लो बच्चों, देखो अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 32 का सौरभ बोल रहा है पी, बिल्कुल सही, और कोई बच्चा है, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही आंसर दिया, आंसर इज पी, स्पीड आर्मेचर इज है इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक, से याद रखना है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमीकंडक्टर कौन सा नहीं है बच्चों इसमें, बताओ इसमें सेमीकंडक्टर नहीं है बच्चों, सेमीकंडक्टर नहीं है, सेमीकंडक्टर कौन सा नहीं है बच्चों, देखो सेमीकंडक्टर नहीं है, आर्सेनिक तो है, एंटीमनी भी है एंड सिलिकॉन भी है, तो ये नहीं है, मैकेनाइट नहीं है बच्चों, बच्चों क्या नहीं है, मैकेनाइट नहीं है, सेमीकंडक्टर नहीं है, नॉट ए नॉट ए सेमीकंडक्टर, तो राइट आंसर इज ए, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, यस इज नॉट ए टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर नहीं है इसमें, ठीक है, इज नॉट ए पैसिव ट्रांसड्यूसर, कन्फ्यूजन नहीं है होना इसमें, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना बच्चे, कन्फ्यूज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी, सॉरी कल वाली प्रॉब्लम आ गई, एक सेकेंड, हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे बच्चों, 34 पे थे हम लोग, इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर बच्चों क्या रहता है, वो ट्रांसड्यूसर रहता है जो सेल्फ की पावर जनरेट करता है, अपने खुद के लिए जो पावर जनरेट करेगा चलने के लिए, या उसकी वर्किंग के लिए जो पावर चाहिए रहेगी बच्चों वो खुद जनरेट करेगा, और पैसिव को एक्सटर्नल पावर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पैसिव ट्रांसड्यूसर क्या रहता है, जिसे जिसे वर्क करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एक्टिव को जरूरत नहीं होती, बस यही हमें क्वेश्चन में देखना है, किसे जरूरत पड़ती है, किस पावर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है।
तो ऑप्शन हम लोग देख लेंगे अभी, एक सेकंड। 34 क्वेश्चन था बच्चों, 34 था हमारा। इज नॉट ए, नॉट ए पैसिव है, नॉट ए पैसिव याद रखना है, नॉट बोल रहा है, पैसिव नहीं पूछ रहा है, नॉट ए पैसिव मतलब एक्टिव ट्रांसड्यूसर पूछ रहा है ये इसमें। एक्टिव ट्रांसड्यूसर बताओ बच्चों, एक्टिव ट्रांसड्यूसर बेटा जो खुद अपनी पावर जनरेट करता है वो थर्मोकपल है। थर्मोकपल में सी बैक इफेक्ट से बच्चों वोल्टेज खुद जनरेट हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस से बच्चों क्या हो जाएगा, वोल्टेज जनरेट हो जाएगा उसमें, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक वोल्टेज जनरेट हो जाता है, बट इन तीनों ट्रांसड्यूसर को बच्चों पावर की रिक्वायरमेंट होती है, इंडक्टिव कैपेसिटिव एंड रिएक्टिव, इंडक्टिव कैपेसिटिव एंड रेजिस्टिव, तीनों ट्रांसड्यूसर को बच्चों पावर की रिक्वायरमेंट होगी। एक्सटर्नली पावर दी जाएगी ने कोई भी काम करने के लिए, बट थर्मोकपल को कोई पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती बच्चों। ये टेम्परेचर सेंस करेगा और अपने आप जो हमारा टेम्परेचर होता है बच्चों उसे किस में कन्वर्ट करता है, ये मिली वोल्ट में, किस में, मिली वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। टेम्परेचर को मिली वोल्ट में कन्वर्ट करता है अपने आप, इसे कोई एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं होती। तो थर्मोकपल कैसे बच्चों, एक्टिव ट्रांसड्यूसर है। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था, इज नॉट ए पैसिव ट्रांसड्यूसर मींस एक्टिव ट्रांसड्यूसर की बात कर रहा था। तो ऑप्शन क्या है बच्चों इसका, थर्मोकपल इज ए एक्टिव ट्रांसड्यूसर और नॉट ए टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसड्यूसर, राइट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ ए कॉपर लॉस इन ए डीसी मशीन। डीसी मशीन में बच्चों किस तरीके के कॉपर लॉस नहीं है, मतलब कॉपर लॉस नहीं है, ठीक है, कॉपर लॉस नहीं है बच्चों डीसी मशीन में, कॉपर लॉस नहीं है। विच नॉट वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द कॉपर लॉस इन द डीसी मशीन। तो देखो अगर मैं ब्रश लॉस की बात करूं, ब्रश लॉस रेजिस्टेंस क्या रहता है बच्चों, ब्रश कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस लॉस क्या रहता है, वी इंटू आई, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा हमारा, आर्मेचर लॉस भी बच्चों आई स्क्वायर इंटू आर होगा, ठीक है। एडी करंट नहीं बच्चों, करंट पे डिपेंड करता है, एडी करंट हमारा क्या रहता है एक तरीके से ये उसकी कोर में होता है, तो ठीक है ये कॉपर लॉस नहीं होता, ये क्या होता है बच्चों आयरन लॉस रहता है। एडी करंट क्या रहता है, आयरन लॉस, ये क्या होता है बच्चों, आयरन लॉस रहता है ये, एडी करंट क्या है बच्चों, आयरन लॉस है, तो ये कॉपर लॉस नहीं है। तो राइट आंसर हमारा क्या है, सी, राइट आंसर सी। फील्ड वाइंडिंग लॉस भी होता है क्योंकि फील्ड जो रहती है ना जब बच्चों, जैसे इसकी फील्ड है ये शंट मोटर है, तो इसमें जो लॉस हो रहा होगा इसका कुछ रेजिस्टेंस रहेगा RSH, RSH मतलब जो इसमें करंट फ्लो करेगी आई एस एच स्क्वायर इंटू RSH, मतलब कुछ तो कॉपर लॉस हो रहा होगा फील्ड वाइंडिंग में भी, बट एडी करंट लॉस नहीं होता हमारे, कौन सा, कॉपर लॉस की कैटेगरी में नहीं आता। तो इसका राइट आंसर है सी, एडी करंट लॉस इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ कॉपर लॉस, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अरुण ने 35 भी देख लिया है 35 तो बेटा आया भी नहीं अभी तक, 34 का ए दिया है सौरभ ने, नहीं नहीं 34 का ए नहीं है बच्चे, एडी करंट लॉस है। चलिए नेक्स्ट 35 देखो बच्चों क्या है, 35 का सी बोल रहा है, इज बेसिकली स्टैटिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस विच कन्वर्ट फिक्स डीसी पावर टू वेरिएबल डीसी, मतलब डीसी में कन्वर्ट करता है, कौन से डिवाइस, डीसी को बच्चों किस में करेगा, डीसी को करेगा वेरिएबल डीसी में, डीसी को किस में करेगा बच्चों, वेरिएबल डीसी में, वेरिएबल डीसी, ठीक है, डीसी को फिक्स डीसी को, फिक्स डीसी को किस में कन्वर्ट करेगा, वेरिएबल डीसी में, वो डिवाइस क्या रहती है, चॉपर, चॉपर करता है बच्चों डीसी को डीसी में कन्वर्ट, डीसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा पर वेरिएबल डीसी में करेगा, करेक्ट है, ठीक है। कैसे करेगा देखो, ये मान लो हमने चॉपर दिया, चॉपर में सप्लाई दी मान लो हमने यहाँ से बच्चों, सपोज करो बच्चों ये चॉपर है, यहाँ से ये हमारा क्या है, चॉपर है, चॉपर में बच्चों में सप्लाई दी डीसी, ठीक है, तो मैं कैसे दे रहा हूँ, ऐसे डीसी दे रहा हूँ इसमें, ठीक है, और इसका आउटपुट कैसा आएगा बच्चों, ऐसा आएगा, ऐसा वेरिएबल डीसी टाइप आएगा, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, चॉपर है। चॉपर क्या करता है बच्चों,
फिक्स डीसी को किस में करता है? वेरिएबल डीसी में. फिक्स डीसी को किस में करता है? वेरिएबल डीसी में. वेरिएबल डीसी राइट आंसर क्या है? चॉपर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए. देखो ये तो आ रहा है इसमें यार, ये तो छोटा भी नहीं होगा. चलो मैं स्टेटमेंट वैसे ही पढ़ दूंगा बच्चों. देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट. पहले तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, वो हमें पढ़नी है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? इन टर्म ऑफ कंपैरिजन ऑफ हाइड्रो एंड थर्मल. हाइड्रो पावर प्लांट का और थर्मल का कंपैरिजन कर रही है लोग. हाइड्रो पावर प्लांट का और थर्मल पावर प्लांट का कंपैरिजन करने कर रहे हैं और उसमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखनी है कौन सी है. चलो पहला देखते हैं. पहला क्या है बच्चों? पहला है हाइड्रो पावर स्टेशन हैव ए लॉन्ग यूजफुल लाइफ. हाइड्रो पावर स्टेशन हैव ए लॉन्ग यूजफुल लाइफ कंपेयर टू थर्मल पावर स्टेशन. ठीक है, सही लग रहा है. कंस्ट्रक्शन टाइम क्या है बच्चों इसका? कंस्ट्रक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रो पावर प्लांट इज फार लेस कंपेयर टू थर्मल पावर स्टेशन. नहीं, हाइड्रो पावर प्लांट को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम की जरूरत रहती है. नेक्स्ट, हाइड्रो पावर स्टेशन आर इनएक्सपेंसिव कंपेयर टू हाइड्रो पावर स्टेशन आर इनएक्सपेंसिव बोल रहा है टू कंपेयर टू थर्मल पावर स्टेशन. बिल्कुल ठीक लग रहा है. हाइड्रो पावर प्लांट डिजाइन इज सिंपल कंपेयर टू थर्मल. ये भी सही लग रहा है. तो बच्चों क्या इसमें क्या गलत लग रहा है? ये है लेस. ये इसका ऑप्शन सही नहीं है बच्चों. ऑप्शन इसका इनकरेक्ट कौन सा है? ये डी इज ए इनकरेक्ट ऑप्शन. कंस्ट्रक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रो पावर प्लांट इज लेस. ये इसका रॉन्ग आंसर है. इसका क्या है? रॉन्ग एक्सप्लेनेशन है. हाइड्रो पावर प्लांट को कंस्ट्रक्शन उसका करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड ज्यादा रहता है थर्मल की कंपैरिजन में. बाकी सब ऑप्शन बिल्कुल ओके है. ठीक है, ये इसका राइट आंसर है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोल रहा है बच्चों क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है इसका, तो फटाफट आंसर दे दो बच्चों. चलो इसका आंसर दे दो फटाफट. ऑब्वियसली इसका आंसर है विंड. विंड क्या है बच्चों? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस है. कोयल, नेचुरल, न्यूक्लियर एनर्जी ये नॉन रिन्यूएबल में आते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं. जो द फॉलोइंग गेट यूनिवर्सल गेट फॉर द लॉजिक सर्किट. इनमें से यूनिवर्सल गेट कौन सा है बच्चों? बोल रहा है यूनिवर्सल गेट कौन सा है बच्चों? ये बोल रहा है यूनिवर्सल गेट कौन सा है बच्चों बताओ. यूनिवर्सल लॉजिक गेट क्या है? नॉट नहीं है. नॉट यूनिवर्सल गेट नहीं है, और नहीं है, एंड नहीं है. सिर्फ क्या है? नैंड है. नैंड है और नोर है. दो ही यूनिवर्सल गेट है बच्चों. कौन सा है? दो ही यूनिवर्सल गेट है, नैंड और नोर. ऑप्शन इज डी. यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या है? यूनिवर्सल गेट वो गेट होता है बच्चों जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों? कोई भी गेट बना सकते हैं इजिली. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों. एन इन्वर्टर इज नॉट ए. इन्वर्टर बच्चों क्या नहीं है? इन्वर्टर क्या नहीं है? कन्वर्टर है बच्चों. जनरेटर है. स्टैटिक डिवाइस है. डिवाइस विद नो मूविंग पार्ट. देखो ऑप्शन बताओ इसमें क्या है. कन्वर्टर तो है, मतलब इन्वर्टर एक तरीके से कन्वर्ट ही करता है ना डीसी को एसी में. डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है तो एक तरीके का कन्वर्टर ही हुआ है ना. तो कन्वर्टर ही लग रहा है ये. ठीक है, जनरेटर नहीं है. इन्वर्टर बच्चों जनरेट नहीं करता, वोल्टेज को जनरेट नहीं करता इन्वर्टर. ठीक है, स्टैटिक डिवाइस भी है. बिल्कुल सही है. डिवाइस विद नो मूविंग पार्ट ये भी सही है. तो राइट आंसर इसका क्या है? बी है. बी इन्वर्टर का राइट आंसर है. इन्वर्टर इज नॉट ए जनरेटर. इन्वर्टर जनरेटर नहीं होता. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों क्या है. 5 एम्पीयर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.0 ओम. डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है बच्चों. देखो बच्चों कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को. बहुत सिंपल है. आप लोग यूनिट देखो क्या है. यूनिट क्या है? एम्पियर ऑब्लिक वाट. एम्पेयर ऑब्लिक वाट. तो देखो यूनिट से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आई कितना दिया है बच्चों इसमें? आई कितना दिया है? 5 एम्पियर. ठीक है,
और रेजिस्टेंस कितना दिया बच्चे इसका 0.01। तो पावर निकाल सकते हो यहाँ से वाट, वाट कितना आ जाएगा बच्चे इसमें आई स्क्वायर आर, आई कितना है 5 का स्क्वायर इंटू 0.01। तो बच्चों 25 इंटू 0.01 मीन्स क्या आ जाएगा 0.25। ठीक है, ये आ गया वाट। और एम्पियर ओब्लिक वाट निकालना है, तो एम्पियर ओब्लिक एम्पियर क्या है बच्चे इसमें 5 एम्पियर है, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी इसकी 5 डिवाइड बाई 0.25। तो देखो 20 ऊपर चली जाएगी, 500 डिवाइड बाई 25 मीन्स क्या आ जाएगा 20% आ जाएगा आंसर। इसका आंसर क्या है बच्चों 20 A/W। करेक्ट है, समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 0 to 180 degree कनेक्शन कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज 0 to 180, यानी कि फेज को बच्चों 0 से किस में कर देगा 180 डिग्री चेंज कर देगा, तो ऐसा कौन सा कनेक्शन है 0 से 180 में जो कन्वर्ट कर दे डेल्टा टू स्टार, स्टार टू डेल्टा, ये दो कनेक्शन तो है नहीं बच्चों इसमें, तो 30 डिग्री बच्चों क्या करेगा 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब चाहे वो लैग हो ना पड़ेगा ये किस टाइप का कनेक्शन है, DY11 है या YD11 है या DY1 है या YD1 है, ठीक है, किस तरीके का कनेक्शन है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, ये दो ऑप्शन नहीं है बच्चों। ठीक है, डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा में 30 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट रहता है दोनों में। ठीक है, 30 डिग्री का, इनडायरेक्ट स्टार तो बेटा नहीं होता कुछ, स्टार स्टार में पॉसिबल है, स्टार स्टार में बच्चों क्या है, हाँ स्टार स्टार में बच्चों पॉसिबल है, स्टार स्टार में पॉसिबल कैसे है बच्चों, देखो स्टार स्टार में पॉसिबल कैसे है, प्राइमरी पर स्टार ऐसे लगाया आपने और सेकेंडरी पर स्टार ऐसे लगा दिया, तो बच्चों कितना आ गया 0 to 180 degree फेज डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ऑप्शन क्या है बच्चों इसका, बी इज अ राइट आंसर, स्टार स्टार में ये कनेक्शन पॉसिबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ डीसी संट मोटर, डीसी संट मोटर का बच्चों अगर हम फ्लक्स कंट्रोल मेथड यूज कर, कौन सा डीसी फ्लक्स, डीसी मोटर में क्या कर रहे हैं डिसएडवांटेज बोल रहा है फ्लक्स कंट्रोल मेथड का, स्पीड कंट्रोल, फ्लक्स कंट्रोल मेथड यूज कर रहे हैं स्पीड कंट्रोल के लिए, तो उसका डिसएडवांटेज क्या है, देखो बच्चों क्या है उसका, उसका डिसएडवांटेज क्या है, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ। तो देखो हम इसे सिंपली एक ग्राफ से समझ लेते हैं बच्चों, कैसे फ्लक्स कंट्रोल मेथड यूज करेंगे, कौन सा फ्लक्स कंट्रोल मेथड, तो बच्चों स्पीड क्या होगी, स्पीड अबव बेस स्पीड वैरी करेगी, स्पीड कंट्रोल अबव बेस स्पीड, स्पीड कंट्रोल अबव बेस स्पीड, बेस स्पीड हम लोग मोटर की कंट्रोल करेंगे, मतलब फील्ड फ्लक्स कंट्रोल में बच्चों स्पीड बढ़ेगी मोटर की, कम नहीं कर सकते हम लोग, फ्लक्स को वीक करते हैं, अगर फ्लक्स वीक होगा मोटर का तो बच्चों क्या होगा स्पीड बढ़ेगी मोटर की, तो ये इसकी प्रॉब्लम है। ऑप्शन क्या दिया है इसमें, ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों क्या है, ऑप्शन क्या है बच्चों, पावर इन द एक्सटर्नल सर्किट इज वेरी हाई, नो इट्स प्रोवाइड स्लाइटली कॉम्प्लेक्स कंट्रोल, नो द स्पीड कंट्रोल बिलो नॉर्मल रेटेड स्पीड इज नॉट पॉसिबल एज द फील्ड करंट इज स्मॉलर द साइज, देखो इसमें ऑप्शन क्या हो गया बच्चों हमारा, ये बोल रहा है ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, द स्पीड कंट्रोल बिलो नॉर्मल स्पीड हम लोग इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते, अबव बेस स्पीड ही कंट्रोल हम लोग इसमें कर सकते हैं, बिलो बेस स्पीड हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते मोटर की फ्लक्स कंट्रोल मेथड में। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 42। इन ए सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर द नंबर ऑफ थायरिस्टर एंड डायोड इन ए सिंगल डैश ऑफ ए सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर के कितने रहते हैं, वो ये पूछना चाह रहा है। देखो अगर मैं सर्किट भी बनाऊं बच्चों इसका सिंगल फेज का और थ्री फेज का, देखो सॉरी सिंगल फेज का फुल्ली कंट्रोल और हाफ कंट्रोल,
देखो ये हमारा इसका इसकी बात करते हैं, फिर फुल ब्रिज की बात करते हैं। तो फुल ब्रिज में बच्चों ये थायरिस्टर रहेगा, इससे चार थायरिस्टर रहेंगे बच्चों, ठीक है। उसके पैरेलल एंटी पैरेलल में डायोड रहेगा, हर एक की पैरेलल में क्या होगा डायोड रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे बच्चों चार, और यहाँ लोड कनेक्ट रखते हैं बीच में, ठीक है। ये डीसी अप्लाई कर देंगे यहाँ से। तो बच्चों क्या ये हो गया हमारा फुल ब्रिज, ये क्या हो गया हमारा फुल ब्रिज। अब हाफ ब्रिज देख लेते हैं। हाफ ब्रिज में बच्चों क्या रहेगा, यहाँ दो सप्लाई ऐसे रहेगी हाफ हाफ में, वी एस बाई टू और वी एस बाई टू, और लोड यहाँ कनेक्ट करके रखेंगे हम लोग बच्चों। तो ये हमारा थायरिस्टर रहेगा, ये दो थायरिस्टर रहेंगे बच्चों, और इनके एंटी पैरेलल में क्या रहेगा दो डायोड रहेंगे, दो डायोड रहेंगे। तो देखो बच्चों दो दो चार, दो डायोड एंड दो थायरिस्टर, इसमें क्या हो गए